बहुजन समाज पार्टी पंजाब से आई बड़ी खबर। दिल्ली केन की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का फूंका पुतला। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर हाल ही में हुई 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर संपूर्ण देश के अंदर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अंदर भी शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनका पुतला फूंका है। 9 साल की बच्ची के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार, साथ ही उसको जिंदा जलाने की घटना को लेकर अमानवीय इस घटना को बताते हुए बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने और आम जनता ने इसका जिम्मेदार जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठहराया है। और उन्होंने कहा है कि इनका शासन प्रशासन जो है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता और इसलिए इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होते रहती है। और यह जो दलित 9 साल की दलित बच्ची की जो घटना है, यह काफ़ी शर्मनाक घटना है और काफ़ी दर्दनाक घटना है। और इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है महिलाओं के सम्मान में सड़कों पर उतर कर अरविंद केजरीवाल के मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही उनका पुतला भी उन्होंने फूंका है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।